आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। बीती रात देहरादून से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली थानो मोटर मार्ग के पास एक पुल का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान पुल के ऊपर कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बुधवार को हुई बारिश के बाद बड़ा सी पुल के एप्रोच रोड का करीब 20 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। इससे मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन ठप हो गया। हालांकि छोटे वाहनों को सावधानी पूर्वक गुजरने दिया जा रहा है। बड़ा सी पुल को साल 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान बनाया गया था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया था। महज 3 साल का समय भी नहीं हुआ और पुल धड़ा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारी कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। दरअसल पुल के बनने के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे थे। पहले भी पुल के पिलर में दरार की खबरें सामने आई थी। अब देखना होगा कि निर्माणाधीन एजेंसी के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड खबर के लिए देखें देहरादून से अनिल बडूनी की खास रिपोर्ट।